हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबटेक कंप्यूटर एजुकेशन पर। और मैं हूं जगराम सिंह। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एमएस वर्ड 2007 के अंतर्गत ऑप्शन आने वाले मेल मर्ज ऑप्शन को, और देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एमएस वर्ड पर क्लिक किया, एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। आइए सबसे पहले मैं इसको इसमें थोड़ा सा कुछ टाइप कर लेता हूँ। टाइप कर लिया है, अब मैं बताता हूँ आपको मेल मर्ज होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है मेलिंग, तो सबसे पहले आपको मेलिंग ऑप्शन पे आना है। ये सारे के सारे टैब टाइटल कहलाते हैं, तो इस टाइटल पर आना है, यानी इस टैब टाइटल पर आना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइटिंग टूल्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और इसका मेन यूज़ क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमें किसी जब हम किसी ऑफिस में अपना वर्क करते हैं तो हमें एक से अधिक लोगों को भी लेटर एक साथ लिखना पड़ सकता है। तो उस समय या तो हम एक एक को मैनुअली एक एक के नाम बहुत सारे लेटर हम टाइप करें प्रत्येक व्यक्ति के नाम। अगर आप आपके ऑफिस में 20 लोग हैं तो आप 20 लोगों के लिए अलग अलग टाइप करें, या फिर कोई एक ऐसा तरीका हो जिससे कि हम शॉर्ट में कोई एक फॉर्मेट बना के रखें और उस पर सभी के लिए लेटर लिख जाए। तो इसका ये यूज यही है कि आप बहुत सारा अपना टाइम की बचत कर सकते हैं, इसमें पहले से ही रिकॉर्ड बना करके रख सकते हैं और उनको मर्ज कर दिया जाता है आप किसी एक फॉर्मेट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ लाइनें टाइप करी हैं, माना ये लाइनें एक लेटर है जो कि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लिखना था सेम फॉर्मेट का लेटर। तो मैंने ये सब पहले लाइनें टाइप कर ली हैं। अब ये जो लाइन है मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इक्वली कर लिया लाइनों को। ये जो मान लिया एक लेटर है और इसको मुझे 3 लोगों के लिए लेटर लिखना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो लेटर टाइप सबसे पहले कर लेना चाहिए, लेटर मैंने टाइप कर लिया है। इसके बाद आप मेलिंग पे जाएंगे, मेलिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज लिखा है, यहाँ पर एक बार क्लिक करके ये लेटर जो लिखा है यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन देगा। सबसे पहले बता रहा है टाइप न्यू लिस्ट, दूसरा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, तीसरा है आउटलुक फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तीनों का मतलब ये है, सबसे पहले जो लिखा है कि ये कह रहा है कि आप एक नई लिस्ट बना लें। दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि आपके पास अगर लिस्ट मौजूद है उन जो भी आपके एम्प्लॉय हैं जिनको आपको ये लेटर लिखना है तो आप वहाँ से इसको उठा लें जो सेव है लिस्ट। और आउटलुक एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपके पास आउटलुक सॉफ्टवेयर में आपने रिकॉर्ड बना रखे हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अभी मैं बनाना सिखाऊंगा कि इस तरीके से एक लिस्ट बनाई जाती है। तो मैं यूज़ करूंगा टाइप न्यू लिस्ट। तो जैसे ही हम टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा, ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, इसको हमें फिल करना है। अब ये फिल क्या करना है, ये टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फील्ड ये दी गई हैं, इनको हमें एक एक के व्यक्ति के लिए फील्ड करना है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत सारी जानकारियां हैं इतनी हमें नहीं चाहिए तो आप इसको अपनी तरफ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमाइज़ कॉलम पे जाना है और जो जो फील्ड आपको नहीं चाहिए उसको हटा देना है। जैसे मान लिया मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैंने क्लिक करा और डिलीट कर दिया और इसके बाद येस कर दिया। माना मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए, मैंने क्लिक करा, डिलीट पर क्लिक करा, येस कर दिया। माना मुझे कंपनी नहीं चाहिए, डिलीट, यस। इसी तरीके से जो जो आपको नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें कुछ डिलीट कर लेता हूँ। अभी फ्रेंड्स मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ एक प्रैक्टिकली आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक्चुअली कोई लेटर नहीं है। आप इस तरीके से लेटर एक टाइप कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अब मैंने कुछ फील्ड चुन ली है, अब मैं आपको इनको चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया ये फर्स्ट नेम अब अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम लिखा हुआ चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करा एक बार और इसके बाद यहाँ कर्सर छोड़ा और जो भी आगे आ रहा है ध्यान रखें आपके जो भी नेम चाहिए उसके आगे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल नेम से चिपका करके कर्सर छोड़ता हूँ और ये मैं बैक कर लेता हूँ। अब मैं ओके कर देता हूँ।
इसी तरीके से माना आजकल जो वर्क फोन, आजकल फ़ोन नहीं चल रहे हैं, आजकल मोबाइल चल रहे हैं, अगर मुझे मोबाइल वर्ड डालना है तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसको रीनेम कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोबाइल नंबर NO। आप डॉट ना लगाएं, डॉट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मोबाइल नंबर लेकर के आप लिख करके ओके कर देंगे। और कोई भी फील्ड आपको ऊपर या नीचे करनी है, जैसे मान लिया मोबाइल नंबर मुझे नेम से नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पर मोबाइल पर क्लिक करके मूव अप कर सकता हूँ, जितना मुझे ऊपर चाहिए उतना मूव अप। और कोई चीज़ अगर नीचे चाहिए होती तो मैं मूव डाउन कर ले रहा हूँ, इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो अब वही फील्ड दिखाई देंगी जो हमने अभी फिल करी थी। अब मैं इनको चेंजेस कर लेता हूँ, यानी मैं इनमें डेटा फिल कर लेता हूँ। मैं अभी बोला था मैंने कि तीन व्यक्तियों के लिए मुझे डेटा बनाना है, यानी लेटर टाइप करने हैं, तो मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि राजीव, मोबाइल नंबर इनका कुछ भी डाल दिया और कुछ सिटी डाल दिया। इसी तरीके से दूसरा मैं कोई रिकॉर्ड ले लेता हूँ, तो मैंने ये डेटा फिल कर लिया है। अब मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा तो ये पहले इस लिस्ट को सेव करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ओके करा, एक आपको फिर से रिकॉर्ड सेव करने के लिए विंडो मिलेगी। आप यहाँ पर फाइल का नाम दे सकते हैं अपने रिकॉर्ड की पहचान के लिए, जैसे मैंने दे दिया है रिकॉर्ड टू, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसका ये अपना डेटा सोर्स होता है, वहाँ पर सेव हो जाता है, और वैसे आप दूसरी लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने सेव कर दिया इसको। अब इसके बाद क्या करना है, ये एक नया ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, एडिट रिसिपिएंट। अगर आपको पहले से बने बनाए रिकॉर्ड्स में या फिर जो अभी बनाए रिकॉर्ड्स उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं या करने हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे और इसके बाद देख सकते हैं जो अभी मैंने रिकॉर्ड बनाए थे करंटली वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ जो भी क्लिक करूँगा नहीं कर सकता। हाँ, बस इतना हो सकता है कि अगर जिस व्यक्ति के नाम मुझे लेटर टाइप नहीं करना है मैं उससे चेक हटा सकता हूँ। लेकिन इस लिस्ट में या इस रिकॉर्ड में जो भी चेंजेस करने हैं उसके लिए जो सेव है रिकॉर्ड, ये सेव है हमारा रिकॉर्ड टू नाम से, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और एडिट पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके रिकॉर्ड फिर से मिल जाएंगे। जैसे अगर मान लिया आपको कुछ रिकॉर्ड इसमें और बढ़ाने होते तो आप इजीली बढ़ा सकते हैं, या कुछ आपको कॉलम बढ़ाने होते या घटाने होते तो आप सारा काम यहाँ से कर सकते थे। अभी मैं फ़िलहाल ओके कर देता हूँ। और ये उसके लिए कह रहा है अपडेट के लिए, फ़िलहाल मैंने अभी कोई चेंजेस नहीं करे हैं तो मैं यहाँ से कैंसिल ही करना सही रहेगा, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद आपको एक एंटर करके जगह बना लेनी है और कर्सर को ऊपर ले लेना है। इसके बाद आप जो है ग्रीटिंग लाइन ले सकते हैं, ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता है संबोधन लाइन। जिस तरीके से किसी व्यक्ति को आप डियर या टू कर करके बोलते हैं, अगर लेटर टाइप करते हैं तो लिखते हैं, वैसे आप यहां से एक वर्ड ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्लिक करा, इसके बाद डियर या टू जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं, और इसके बाद आप ओके कर देंगे तो एक कोड वर्ड में एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद आप जो भी नाम चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से ये ग्रीटिंग लाइन जो वर्ड है ये है कि एक्चुअल में, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये है डियर मैडम और सर, मैं हटा देता हूँ, मुझे यही चाहिए था। अब इसके नीचे मैं माना उस व्यक्ति का नाम चाहिए जिसके नाम मुझे लेटर टाइप करना है, तो और मुझे नीचे चाहिए इसके, तो मैं एंटर कर लूँगा। अगर मुझे इसके सामने चाहिए हो तो मैं स्पेस दे करके फील्ड इंसर्ट करा लूँगा। तो मुझे नीचे चाहिए तो मैं नीचे ले आया कर्सर को, मुझे अब वो फील्ड इंसर्ट करानी है जो मुझे नाम चाहिए इसके। इसके लिए आप यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको नेम चाहिए, नेम लेना है, इंसर्ट करा लेना है। तो ये आपके साथ अब उस वर्ड के साथ नाम आ जाएगा नीचे की ओर। इसके बाद मान लिया मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, इसे भी इंसर्ट करा लेता हूँ, सिटी चाहिए इसे भी इंसर्ट करा लेता हूँ, और स्टेट चाहिए इसके बाद ये भी नीचे करा। तो ये मैंने सारे कोड वर्ड ले लिए हैं, मैं एक के नीचे एक चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, एंटर किया, कर्सर रखा, एंटर किया, ये एक के नीचे एक भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से अब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, तो एक मैंने लेटर बनाया था, एक रिकॉर्ड बनाया था राजीव के नाम, तो यहाँ लिखा हुआ है डियर सर और मैडम राजीव।
तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पर डेली डेली दो बार हो गया है, तो इसको क्या करना है कि अगर आपने कोई वर्ड दो बार टाइप कर दिया है या दो बार कोडिंग ले ली है तो दो बार ही आपको दिखेगा। या आपने जैसे अभी मैंने डेली स्टेट भी डेली है और सिटी भी डेली है तो मैंने ले लिया था, मैं एक के नीचे एक कर लेता हूँ, अब देखते हैं। तो पहला तो मुझे डेली का रिकॉर्ड है क्योंकि वो इसलिए ऐसे दिख रहा है। अगर मैं नेक्स्ट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करके देख सकता हूँ। ये देखिए दूसरा बरेली का रिकॉर्ड था, ये अमित कुमार का, ये दिख रहा है। तीसरा मैं यहाँ फिर से क्लिक कर सकता हूँ, ये दिख रहा है। अगर मुझे लगता है कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे हिसाब से ठीक बने हैं और मुझे इतना ही चाहिए था तो मैं इनको बस अब फिनिश की ओर जाऊँगा। और मैं एक बार यहाँ क्लिक करना है, यहाँ लिखा है एडिट इंडिविजुअल, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद ऑल रिकॉर्ड पर लाना है, ओके करना है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड एक एक पेज पर अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पहला रिकॉर्ड राजीव के नाम है, ये फर्स्ट पेज पर है। दूसरा रिकॉर्ड अमित कुमार के नाम है, ये सेकंड पेज पर है। तीसरा रिकॉर्ड राधा के नाम पर है, ये थर्ड पेज पर है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड अपने बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही जल्दी से कम समय में लेटर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से प्रिंट करना है, तो आप यहाँ जाएंगे, ये ऑफिस बटन कहलाता है। इसके बाद प्रिंट पर जाएंगे। अगर आपको प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि आपके जो पेपर का लुक है, जो भी आपका लेटर है, वो कुछ इस तरीके से लगेगा। आप जैसे क्लिक करेंगे बड़ा भी हो जाएगा। तो आपको अगर ये लगता है तो आप इसको प्रिंट यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रिंट कमांड यहाँ पे भी दी गई है। नहीं तो आप यहाँ से क्लोज़ करने के बाद ऑफिस बटन पे डायरेक्टली यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं तब भी ये खुल जाएगा। अब इसको बस यहाँ से ओके कर देना है। आपका अगर प्रिंटर कनेक्ट है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से, आपके प्रिंट सारे निकल आएंगे। अगर मान लिया आपके पास 5 लेटर आपने टाइप करे और केवल आपको पहला पेज चाहिए जो अभी करेंटली आपने स्क्रीन पे ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे तो केवल वही आएगा एक पेपर। और अगर आपने दूसरा पेपर स्क्रीन पर खोल रखा है तो करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पेपर प्रिंट होगा। अगर आप ऑल पर रहने देते हैं तो सभी पेपर की एक एक कॉपी आ जाएगी, जितने भी आपने लेटर बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कॉपी 1, यानी एक एक कॉपी आएगी। अगर आप यहाँ पर 2 कर देते हैं तो दो दो कॉपी आएंगी, तो मैं एक ही कर देता हूँ। और अगर आपके पास मान लिया 10 पेज तैयार हैं और 10 में से आपको 5 से लेकर के 7 तक, यानी 5, 6, 7 3 पेपर प्रिंट करने हैं, तो आप यहां पर पेजेस पे जाएंगे और जो भी आपको प्रिंट करना है इस तरीके से देख सकते हैं, एक रेंज दे सकते हैं 5-7, तो इससे 5, 6 और 7 वाला प्रिंट होगा। या आपको छोड़ छोड़ के प्रिंट करने हैं, जैसे मान लिया एक पहला दूसरा पेपर प्रिंट करना है तो 2, फिर इसके बाद चौथा प्रिंट करना है तो कॉमा लगा के 4, इसके बाद पांचवा प्रिंट करना है तो 5, इसके बाद नवा प्रिंट करना है तो 9। तो इस तरीके से भी आप पेपर को लेकर के ओके कर सकते हैं, तो आपके पास दूसरा, चौथा, पांचवा और नौवां पेपर प्रिंट हो जाएगा। तो आप प्रिंटिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऑल रहने देता हूँ, ओके मैं अगर अभी करूँगा तो सारे पेपर प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं प्रिंट निकाल नहीं रहा हूँ। आप ये जस्ट आपको सिखाने के लिए था, मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आशा है आपको ये मेलिंग ऑप्शन, मेल मर्ज आपको सही समझ में आया होगा। अगर ऐसे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको समझने में कोई दिक्कत आती है, तो इस वीडियो को एक बार आप रिपीट करके ज़रूर देखिए। और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे मेल थ्रू कर सकते हैं या कमेंट में लिख करके मुझसे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।